एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमारा एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स इनिशियलाइज स्क्रीन पर स्टक हो जाता है, तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई बार हमारा एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स इस स्क्रीन पर स्टक हो जाता है, इनिशियलाइजिंग लिखा आता है, इससे हमारा आगे बॉक्स नहीं जाता, इससे जो मर्जी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद करके चलाने पे भी ये यहीं पे अटक जाता है। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, इसके लिए हम एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स के नीचे यहाँ पे एक रीसेट की आती है, इसको यहाँ से दबा के रखेंगे। थोड़ी देर तक हमने इसको दबा के रखना है। फर्स्ट मेथड तो यही है, अगर इससे ठीक हो जाए तो ठीक है। आप इसको दबा के रखेंगे, यहाँ पे नीचे होता है ये रीसेट बटन होता है, इसका लिखा मिलेगा आपको, ये ऑन करेंगे और इसको ऐसे दबा के रखना है जब तक हमारे आगे स्क्रीन पे आता नहीं है ना कुछ, इसको ऐसे ही दबा के रखना है हमने। कई बार इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब अगर हमारी ये प्रॉब्लम इस मेथड से ठीक नहीं होती है तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, ये आगे जो स्टैंड बाई की रहती है ना इसके, इसको ऐसे दबा लेंगे और पीछे ये अडाप्टर पावर पिन होती है, इसको निकालेंगे और फिर से लगा देंगे। ऐसे लगा के रखेंगे, अडाप्टर पिन लगा देंगे और इसको ऐसे दबा के रखना है जब तक स्क्रीन ऑन नहीं होती। काफ़ी देर तक आपने इसको दबा के रखना है, दो चार बार ट्राई कर लेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अभी हम इसको वाइप डाटा नहीं करते हैं, रिबूट सिस्टम नाउ कर देते हैं। जैसे ये रिमोट से अप डाउन करेंगे तो ये अप डाउन हो जाता है, यहाँ से रिबूट करके देख लेते हैं एक बार। ये रिबूट यहाँ से करने पे भी अभी भी उसी स्क्रीन पे स्टक हो रहा है, नहीं जैसे ये देखते हैं ऑन हो गया है अब शायद ये। थोड़ा सा टाइम आपने वेट जरूर करना है इसका। तो देखिए बॉक्स हमारा ऑन हो चुका है, पहले ये हमारा एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स इनिशियलाइजिंग स्क्रीन पे स्टक हो गया था। जब तक ये ऑन होता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। सामने बॉक्स के स्टैंड बाई की है, इसको दबा के रखेंगे और पीछे अडाप्टर वाली पिन निकाल के लगा देंगे। इसको तब तक दबाए रखना है जब तक हमारा आगे वो वाइप ऑल डाटा वाला सिस्टम नहीं आ जाता। वहां से रिबूट करके देख लेंगे, रिबूट होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका वाइप ऑल डाटा भी कर सकते हैं वहाँ। आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।